ये मेरा काइगर है, ये मेरा ओरबीम है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने भी कभी ना कभी ये अपने कार को कहीं पे ठोक डाला होगा और ये जो ओरबीम है टूट गया होगा। और इसको अगर पूरा असेंबली को हम लोग चेंज करने जाते हैं तो इसका ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ पड़ता है, जिसको खर्चा करने में आता है। और आपका जो है ओरबीम भी ठीक है, बॉडी भी ठीक है, मतलब बॉडी कवर, सिर्फ जो होता है ये लॉक टूट जाता है। मेरा भी ये लॉक ही सिर्फ टूटा था। तो आप लोग इसको 4000 खर्चा करने से अच्छा 10-20 रुपए में MCL लगा के भी ठीक कर सकते हो। मैंने भी ठीक कर लिया था, लेकिन फिर से आज यहाँ से टूट गया है, मतलब प्रेशर पर के ही टूट गया है, ये चीज़ जो है निकल गया है। तो इस पर मैं फेविक्विक डालूंगा, जो मैंने पहले डाला हुआ था। फेविक्विक से ये नहीं टूटता, तो इसके लिए MCL का ज़रूरत पड़ेगा ज़रूर से। तो मैंने MCL डाल दिया। एंड अभी यहाँ पे फिर से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फेविक्विक है, लेकिन बस इसको कवर करने के लिए MCL की ज़रूरत है, तो इसको मैंने MCL से मतलब डाल के अभी फेविक्विक लगा के इसको फिर से यहाँ पे फिट कर दूंगा। इसको खोलना बहुत ही ईजी है, क्योंकि टूट गया होगा तो खुल ही जाएगा आराम से। आराम से वायर्स को निकाल लीजिए, इसको पूरा डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा, और इसको जो है फेविक्विक डाल के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेविक्विक 10 रुपये वाला फिर से यूज़ कर दिया। एक 10 रुपये का MCL लगाया था और 10 रुपये का फेविक्विक, तो 20 रुपीज़ में ये 4000 से अच्छा सिर्फ 20 रुपीज़ खर्चा करके इसको फिर से मैं चलाने वाला हूँ। अगर रेनॉल्ट का सर्विस सेंटर में ये सिर्फ ये पार्ट अगर अवेलेबल होता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर बनाया हुआ है आप लोगों की तरफ से। तो इसको अगर आप लोग अवेलेबल करवाते तो अच्छा होता, उससे अच्छा, क्योंकि 4000 में पूरा का पूरा सेट बदलने से अच्छा ये तो मतलब 200-300 या फिर 500-1000 भी पकड़ लो तो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पूरा 4000 यूज़ करने में थोड़ा सा पॉकेट में दर्द होता है भाई। इसको जैसे ही सूख जाता है फिर से इसको मैं फिक्स करवा दूंगा, ठीक है। तो गाइज अभी हमने इसको जो है पूरा सेट कर लिया है, और मतलब इसको MCL और फेविक्विक से जोड़ने के बाद कुछ देर रखने के बाद अभी पूरा रात हो चुका है। जो भी हो, थोड़ा बालू से मतलब सैंड से थोड़ा मजबूती देने के लिए वो फेविक्विक के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अभी जो है मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। उसके लिए पहले जो है आपको पहले वायर्स को इसके थ्रू मतलब ORVM के थ्रू पहले सब वायर्स को निकाल लेना है, और निकालने के बाद इसको आराम से यहाँ पे फिक्स करने के बाद और इसको इसके भी अंदर से जो है पूरा का पूरा वायर्स निकाल लेना है। इसको जैसे ही खोलते रहोगे आप लोग, अगर ध्यान रखोगे तो पता चल गया होगा, मतलब खोलना तो इजी होगा लेकिन थोड़ा फिट करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको खोलने के लिए आराम से ऐसे आराम से डाल के, और अभी इसको आराम से थोड़ा सा प्रेशर दे के इसके अंदर फिट कर देना है। तो इसको आराम से फिट करने के बाद वायर्स को आराम से बाहर निकाल के पहले अपना ORVM को आराम से अंदर रख के, और इसके बाद लॉक को जो है लगा देना है। अगर आपके पास ग्रीस वगैरह है तो थोड़ा सा ग्रीस चारों तरफ लगा दियो, ये है कि नहीं किसका ग्रीस है नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है ग्रीस लगा देता हूँ। ये आई थिंक बैटरी का ग्रीस है, लेकिन इससे जो है ये थोड़ा अच्छे से बैठ जाएगा और लुब्रिकेशन जो है अच्छे से रहेगा। मेरा थोपड़ा तो नहीं आ रहा ना हेयर्स। आराम से लुब्रिकेट करने के बाद इसको आराम से हम फिट कर देंगे। इसको आराम से हाथ से भी प्रेस कर सकते हो आप लोग, अगर चाहो तो पेन या हथौड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जिसका कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो इसको आराम से ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा घुमा लीजिएगा और ये लॉक हो जाएगा अंदर ही अंदर। तो गाइज इसको कनेक्ट करने के बाद आराम से जो है ये ओपन क्लोज फिर से हो रहा है, जिसमें 4000 रुपये का खर्चा आने वाला था सिर्फ 20 रुपये में मैंने जो है ठीक कर दिया है। और इसको अभी हम लोग कवर को भी आराम से कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे दो नीचे प्लास्टिक का लॉक है और एक सामने लॉक है और यहाँ पे एक लॉक है। इसको आराम से एडजस्ट करके आपको यहाँ पे देख के आराम से फिट कर देना है, या फिर करवा भी सकते हो कहीं से अगर करना है तो। आप लोग ये कहीं पे शॉप की और यहाँ पे जैसे क्लॉक पटक करके आवाज आएगा ये लॉक हो चुका है, अभी ये नहीं निकलेगा। ये बहुत ही सिंपल है, और रेनॉल्ट वालों को अपना चीज़ें जो है मतलब अगर बनाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग का खर्चा कमेगा, कस्टमर का खर्चा कम हो जाएगा। अगर सर्विस सेंटर में सिर्फ लॉक मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन उन्होंने जो है अभी नहीं किया। अभी आराम से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो है हम थोड़ा सा फिनिशिंग टच के लिए इसको पॉलिश कर देंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कैसा लुक आ रहा है। और मैं दिन का भी एक शॉट डाल लूँगा, क्योंकि अभी तो ये पूरा रात है, अभी रात हो गया, तो आराम से ये जो है ओपन क्लोज हो रहा है। मैं अभी साबी ऑन करके भी दिखा देता हूँ, एंड मिरर को भी कंट्रोल करके दिखा देता हूँ।
तो ये जो लाइट जो है लाइट भी बिल्कुल काम कर रहा है, और ऊपर से हम अभी अगर मिरर को एडजस्ट करेंगे जो कि अंदर से दिखाएंगे, इसके लिए हमको गाड़ी को करना पड़ेगा स्टार्ट। और इलेक्ट्रिकली ही होंगी एडजस्टेबल है एंड हम लोग जो इसको आराम से भी एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हो ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। थैंक यू।